अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ख़ान है और आप लोग देख रहे हैं सी ऑफ पी सी नॉलेज। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको एक एप्लीकेशन या किसी क्वेश्चन आंसर को लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे इसे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या करना है, लिखना क्या है आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा वो जो मैं लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल्स, पहला आंसर है, ठीक है। आंसर के बाद ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद, ठीक है, ये हेडिंग के डबल डॉट आपको नज़र आ रहे तो डबल डॉट के डायरेक्ट नीचे ही सीधे नीचे स्टार्ट करना है आपने फिल पैराग्राफ। उसके बाद ऐड देना है जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद फिर रेफरल्स ये देने हैं। रेफरल्स के बाद आपने डिफिनेशन लिख के, पेरिफेरल्स है क्या, उसके बाद ये पेरिफेरल्स डिफिनेशन है। उसके बाद ये हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन नेम्स ऑफ पेरिफेरल्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ विदाउट नोटिसिंग आर, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं लेकिन बगैर हमें ये नोटिस नहीं करते कि ये है क्या, रेफरल क्या है, काम काम किस तरह करता है, किस बेसिस पे करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम एक इन सब पेरिफेरल्स की, ठीक है, तो ये सब जो भी फिर पेरिफेरल्स हैं ना, तो इन सब पेरिफेरल्स की हम डिफिनेशन बहुत ही डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं कि लिखना कैसा है, ठीक है। पहले आप चैट जीपीटी में जाएं, चैट जीपीटी में चले गए तो यहाँ पर नहीं, चलो यहीं पर करते हैं। लॉगिन साइन अप करें, साइन अप के बाद आपको गूगल अकाउंट के ज़रिए साइन अप करना है। यह रहा मेरा गूगल अकाउंट, इसके ज़रिए मुझे साइन इन करना है। अकाउंट बना लिया मैंने इसे। अभी आपने जैसे इंटरफेस आएगा तो आपने इसे पूछना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको ये सब बता देगा। अब ये चैट जीपीटी का इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इससे अपना जो भी काम आपको करना है वो सब काम आप इससे बता सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे वे कर ले। चैट जीपीटी यहाँ पर आ चुका हूँ, इस पर मेरा अकाउंट पहले से ही था। तो देखिए, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, इसके बाद इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम इन डिटेल एंड एक्सप्लेन इट, क्लिक करें तो ये आप सब आपको जो कुछ होगा वो सब बता देगा, ठीक है। हार्ड ड्राइव और, ठीक है, ये सब हार्ड ड्राइव है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, रैम एंड रोम, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सब आपको लिख कर दे देगा।
तो आपको क्या करना है अभी, सिंपली आपने माइक्रोसॉफ्ट पर जाना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या कहते हैं, एमएस वर्ड में, ठीक है। तो एमएस वर्ड में आपने जाना है, ठीक है। विंडोज़ आर दबाए, यहाँ पर आपने वेन डब्ल्यू ओ आर डी वेन वर्ड दबा दिया, एंटर करे तो आपके साथ डायरेक्ट वो आ जाएगा, ठीक है। ये खुल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, तो ये था मेरा पुराना वाला, तो इसी से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, तो ये सब मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। ये सब को मैं यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से काट दिया, कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जाना है चैट जीपीटी में, यहाँ से आपने कंप्यूटर का जो कुछ होगा वो आपको नीले उठाने। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क ए डिजाइन टू प्रोसीड एंड मैनेज इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूजफुल आउटपुट। लेट्स ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ, ये कुछ कॉपी करना है, ठीक है। आपने ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाए, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट किया आपने, यहाँ पर ये दबाए, ये, ठीक है। तो ये हमारा एरियल आ चुका है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। इस तरह छोटे लिखाई में आएगा इसका, ठीक है। सी गो यू आई ओ होगा इसका, लेकिन अगर कंट्रोल ये शिफ्ट वाला ये वाला दबाए तो आपका ये देख रहे ये 12 में हो जाएगा, ठीक है। 12 में हो जाएगा और एरियल बॉडी सीएस में हो जाएगा। तो इसी तरह ये कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद इसी कंप्यूटर सिस्टम के हमें कुछ हेडिंग्स थे वहाँ पर, तो हेडिंग्स हमें यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। ये रहा हेडिंग नंबर वन, तो यहाँ से सब कुछ कॉपी कर, यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करें और फिर यहाँ पर पेस्ट करें, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ये दबाएं, यहाँ पर ये वाला दबाएं, तो देख रहे हैं इस तरह से सब कुछ आ चुका है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये वाला एक पोर्शन तो हो चुका है हमारा, कंप्यूटर इज कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो सर ने कहा था कि आप लोगों को 5-6 पेजेस का बनाने, तो ये रहा पेज नंबर वन, ये है पेज नंबर टू और ये है पेज वन टू और पेज थ्री। इसके बाद पेरिफेरल्स है, एक पेरिफेरल्स की आपने डिफिनीशन करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से पेरिफेरल्स, यहाँ से तो हम यहाँ पर पेरिफेरल्स की डिफिनीशन वगैरह ये सब करनी है, ठीक है। अब इससे आपने यहाँ पर सीक्वेंस देना है, ये दबाए, यहाँ पर भी, तो ये आ चुका है हमारे पास। अभी आप ये आपको यहाँ से इन सब को डिलीट करने, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर लिखे पेरिफेरल्स, ठीक है, वहाँ पर कॉपी करें चैट जीपीटी में, तो आपको कंट्रोल सी दबाए, कॉपी करें। अब उसके बाद कुछ थोड़ा बाकी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कॉपी करके यहाँ तक उससे ख़त्म करते हैं, ठीक है।
इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। जब हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, हम चलो इसे ख़त्म करते हैं अदवा से यहाँ इसके बाद, ठीक है। दैट द एक्सटर्नल थ्रेट्स यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट किया, रोही से ये दबाएं, ये वाला दबाएं। फिर अब आपने जिस तरह मैंने किया, ठीक है, इसी तरह आपने करना है। अगर गलत किया तो मेरे ख़्याल से ये एक्सेप्टेबल ना हो तो फिर मसला हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। कॉपी करें अब रेफरल्स को, कॉपी करने के बाद यहाँ पर दे लिखे EXPLAIN एक्सप्लेनिंग DETAILS एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ठीक है। कंट्रोल वी रेफरल्स, अब ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। ये रहा, अब ये जो जो हेडिंग आपको नज़र आ रहे हैं, इस हेडिंग के सामने आपने एक पिक्चर लगानी है, किस तरह वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक एक तो आपका शायद 5, 6, 7, 8 पेज तक चला जाए तो उससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और काम भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले पेरिफेरल्स इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी दबा दिया, कॉपी किया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल वी पेस्ट किया, ये वाला दबाए, ठीक है, ये दबाए। लेकिन इसका साइज़ बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो सबको इसका साइज़ बोल्ड से हटाना है और छोटा करना है। छोटा कर दिया आपने तो इससे आप आगे तक ले जाएं। मैंने इसे यहाँ तक ले गया, अब इसे जस्टिफाई करें, ठीक है, कंट्रोल जे दबाए तो आप जस्टिफाई करेंगे। मैंने एक दबा दिया, बार दबा दिया, यहाँ पर देख रहे, यहाँ पर से आप से आपके लाइन यहाँ पर से यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से देख रहे आपके लाइन यहाँ से कट रहे हैं आगे पीछे, तो कंट्रोल जे दबाए तो देख रहे यहाँ से भी लाइन करेक्ट है और यहाँ से भी लाइंस करेक्ट हैं, तो आपके दोनों तरफ से लाइंस करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं ये लिखाई जो है इसे मिटा देता हूँ, कट कर दिया इसे। तो अब मैं वहाँ पर जो था उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबा दिया, ठीक है। विंडोज़ पर आ जाए, यहाँ पर कंट्रोल वी पर क्लिक करें, यह आ चुका है। और अब आपने कंट्रोल, ठीक है, नीचे पर क्लिक करें तो ये सब आपके पास आएगा, देख रहे हैं ऊपर कौन सा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह आपके पास हर किस्म के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, ये देख रहे हाँ, तो ये इस तरह आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें इससे ये पेरिफेरल्स देख रहे हैं, ये पेरिफेरल्स का हेडिंग अलग है और ये वाला हेडिंग अलग है, हमें इसकी साइज़ पूरी, इस पूरी लिस्ट की साइज़ एरियल पर चेंज करनी है, ठीक है।
एरर इसमें चेंज करनी है, इन सब की ठीक है, तो इन सब की हो चुकी है। थोड़ा साइज़ बड़ा करते हैं, 12 पर लाते हैं। ठीक है, इसका साइज़ हमने 12 पर लाया ला दिया। अब जो जो हेडिंग थे उस हेडिंग को हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। इस हेडिंग को हमने 14 करना है। ठीक है, इस वाले हेडिंग को भी हमें, ठीक है, पहले से ही 14 है तो इसे 14 कर दिया। कलर ब्लैक फुली या ये वाला, ठीक है, तो ये वाला कलर हो चुका है। अब इसी तरह अब हमें पूरे की कलर सेलेक्ट करने हैं। यही दबाए, ये दबाए, इसके बाद यही दबाए, ये, ठीक है, ये दबाने के बाद बिल्कुल ठीक है। बाकी इससे सिर्फ इससे 14 तक लाना है, इससे भी 14 करना है। इसे भी 14 करना है। ये जो हेड है ना, तो आपको उन्हें 14 पर कर लाना है। ठीक है, 14 जो मेन हेडिंग है वो, ये वो छोटी वाली नहीं, ठीक है, इनका ज़्यादा काम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास कितने पेजेस आ चुके हैं। तो ये तो कंप्यूटर सिस्टम का हो चुका है। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम का हो चुका है। ठीक है, ये सारे होते हैं ये, ठीक है, ये सारे सब कंप्यूटर सिस्टम्स के ऑप्शन है, तो इसके कोई ज़रूरत नहीं, ये सब एक ही चीज़ में आते हैं, इस कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से, यहाँ पर कीबोर्ड है ना, तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड का पिक्चर लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, इंसर्ट पर जाए, पिक्चर, पिक्चर के बाद दिस डिवाइस, दिस डिवाइस के बाद आपने जहाँ पर पिक्चर्स वगैरह पेस्ट किए हैं वहाँ पर जाना है आपने। ठीक है, आपने वहाँ पर जाना है पहले। वहाँ पर जाने के बाद आपने देखना है कि आपने पिक्चर रखी कहाँ पर है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर गए, यहाँ, तो ये रही पिक्चर, पहला होता कीबोर्ड, तो चलो कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, इसको क्रॉप करते हैं, क्रॉप क्रॉप करते हैं यहाँ से, क्रॉप कर दिया, लिख दिया। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, लेकिन साइज बड़ा करने से इसके रिजोल्यूशन पर असर पड़ता है, तो हमें इसे डिलीट करके ठीक है, नेट से एक पिक्चर डाउनलोड करते हैं, कीबोर्ड क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये कीबोर्ड आ चुका है पिक्चर मुख्तलिफ सी, तो आपने यहाँ पर क्लिक करें इमेजेस पर, यहाँ पर आपको बहुत सी कीबोर्ड नज़र आएंगे, तो कोई भी कीबोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी ये वाला बिल्कुल ठीक है, जिसमें बहुत दो तीन कीबोर्ड रखे हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट इमेज है इसके लिए। तो सेव इमेज एज करें, सेव इमेज एज कर दिया आपने, तो अभी आपको जहाँ पर ही पेस्ट करने वहाँ पर पेस्ट करें, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैं नाम देता हूँ कीबोर्ड,
ताकि आसानी हो मेरे लिए। कीबोर्ड कर दिया, वर्ड पर जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। कीबोर्ड कहाँ पर है? ये रहा कीबोर्ड। तो ये देख रहे हैं, ये पिक्चर अभी साफ है। ये दबाए, ठीक है, ये दबाने के बाद आपका पिक्चर जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर ही लगेगा। या ये वाला दबाए, ये वाला, ये वाला, तो आप जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, मैं से यही पर ही लगाना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं, मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ तक। यहाँ से मैं इसे थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। फिर इसके बाद है माउस, यहाँ पर क्लिक करें, माउस सेलेक्ट करें, माउस यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ से एक बार थोड़ा सा बैक स्पेस करें, आपने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट करें, थोड़ा पीछे ला जाते हैं। हाँ तो ठीक है, बस कोई ज़रूरत नहीं, और बस ठीक। अभी आपने यह माउस का पिक्चर डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पर माउस को प्रिंट करें, माउस, तो माउस आ चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है माउस वाला। ठीक है, तो डाउनलोड करें इसे, सेव इमेज एज करें, नेम माउस रखे, माउस कर दिया मैंने। मैं इसे भी जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं आप लोग तो ही पर इंस्टॉल करें, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब आप यहाँ पर, ठीक है, क्लिक करें, पहले इंसर्ट पिक्चर सेलेक्ट दिस, इसके बाद आपने ये कीबोर्ड ये वाला सेलेक्ट करना, ठीक, कीबोर्ड नहीं, सॉरी, माउस, हमें माउस सेलेक्ट करना था, तो माउस सेलेक्ट करते हैं। ये रहा माउस, मैंने सेलेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ अच्छा खास नहीं, मैंने जो डाउनलोड किया वो सामने नहीं आ रहा। चलिए इससे कोई और माउस डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। कंट्रोल सेव इमेज एज, यहीं पर ही क्लिक करें। ठीक है, सेव किया। अब इंसर्ट पर जाए, देखें कि दूसरा जो मास हमने डाउनलोड की माउस डाउनलोड किया वो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बाल भी नज़र नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा डाउनलोड करते जो कम रिजोल्यूशन वाला हो। ठीक है, तो ये इस वाले को डाउनलोड करके देखते हैं।
डेस्कटॉप पर चलो सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद देखते हैं कि ये आ चुका है यहाँ पर, तो इसी से काम चलाते हैं। कंट्रोल, अब डेस्कटॉप पर जाएं, यहाँ पर देखें कि वो ये लड़ रहा आ चुका है माउस का पिक्चर। तो ये माउसेज हैं, ठीक है, माउसेज हैं यहाँ पर, माउस भी आ चुके हैं। तो ऐसे आप ये वाला दबाएं, ये वाला, ठीक है, तो इसे बीच में लाएं। बीच में लाने के बाद थोड़ा सा बढ़कर इस तरह, चलो इतना ठीक है। अभी आपने क्या करना है, टच पैड एंड ट्रैक बॉल ये वाला, इसे कॉपी करें आप। पहले कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट करें, क्लिक करें, तो देख रहे आपके पास ये सब ये वाले माउसेज आ रहे हैं, ठीक है। ये पहले यू हुआ करते थे, शायद मेरे ख्याल में अभी भी होते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं शायद। तो आपको जो करना है इसी से करना होगा। आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर ले करें, आपकी मर्जी। तो मैं ये वाला डाउनलोड कर देता हूँ, ये वाला कंप्लीट सेव डाउनलोड। इस पर ये वाले भी डाउनलोड करें, ये वाला डाउनलोड हो चुका है, अब देखते हैं। तो ये वाला आ चुका है यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर जाएं, एक बार एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद आपने क्या करना है, बस सिंपल सा इंसर्ट पेज दिस डिवाइस, इस दिस डिवाइस के बाद आपने ये वाला पिक्चर डालना है, ठीक है। आपने इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, आप ये वाला नीचे लाए अगर हो सकता है तो, यहाँ से कट करें। मैंने यहाँ पर पेस्ट किए इसे, तो इसी तरह आपको हर एक भी पिक्चर को यहीं पर डालना है, ठीक है। जैसे आप डालेंगे तो आपको इस तरह से पिक्चर्स को लगाना है, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर इससे भी अलग होगी तो शायद सर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट भी कर सके। तो ये थी यह वीडियो, अगर हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसी से अपना फ़ायदा